आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2021। नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के बाद में आने वाली रेलवे की बड़ी भर्तियों में आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती 18,000 के पदों पर यहां पर रेलवे मंत्रालय की तरफ से भर्ती को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन दोस्तों भर्ती नहीं हो पाई कोविड के चलते। लेकिन एक बार फिर देश भर में कोरोना के केसेज कम होते दिखाई दे रहे और 7 जून से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के साथ में सेना रेली भर्तियां शुरू होने जा रही है। ऐसे में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएस सब की तैयारी करने वाले मेल और फीमेल कैंडिडेट लगातार इंतजार कर रहे हैं 2 साल से कि आखिर वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि रेलवे की तरफ से 18,000 पदों को मंजूरी तो दे दी लेकिन अभी तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दोस्तों इस भर्ती के लिए कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल होंगे, साथ ही बड़ी और अच्छी खबर आप सभी के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी खबर बता देता हूं, 50% वैकेंसी अकेले फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेट रखी गई है। 10वीं पास वाले ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आखिर इस भर्ती के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्रिटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास भी आप जरूर शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। अगर दोस्तों आप भी रेलवे एसएससी आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बिल्कुल जनवरी 2020 से लेकर अभी तक के टॉप 500 प्रश्नों का संग्रह लेके आए। अगर इतना करंट अफेयर्स भी आप पढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन में इस बुक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दोस्तों इसकी प्राइस हमने यहाँ पर पहले 20 रुपए रखी थी, लेकिन लॉकडाउन और महामारी के बीच में हम सभी ने, हमारी टीम ने बड़ा निर्णय लिया और अब आपको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। बिल्कुल दोस्तों सीमित समय के लिए आपके लिए ऑफर है, साथ ही आपको यहां पर डेली क्विज भी आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगी, उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में देने को मिलेंगे। अगर आप इन सब चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाके आप ऐप डाउनलोड करके ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं रेलवे की, आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वो भी जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां पर आपको डेली टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी, साथ ही लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी भी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब बात करते हैं यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। टोटल वैकेंसी आपके 18,000 है, जिसमें 50% वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए, बात करें तो 9,000 वैकेंसी अकेले फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी और बाकी की 9,000 वैकेंसी आपके मेल कैंडिडेट के लिए होगी और अलग अलग रीजन वाइज आपकी ये वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की तरफ से दोस्तों पहले ही यहाँ पर बताया गया था कि 18,000 कांस्टेबल जवानों को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, क्योंकि रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी संख्या काफी कम है और रेलवे में फीमेल यहां पर कांस्टेबल की संख्या बढ़ाने को लेकर रेलवे की तरफ से 50% वैकेंसी मेल के लिए और 50% वैकेंसी फीमेल के लिए यहां पर रिजर्वेट की गई है। यहां पर आप देख सकते हो पोस्ट नेम आपका कांस्टेबल है, टोटल वैकेंसी आपके 18,000 होगी, जिसमें मेल की आपके 9,000 और फीमेल की भी आपके 9,000 वैकेंसी होने वाली है। रेलवे की लॉकडाउन के बाद की सबसे बड़ी भर्ती आप इसे मान सकते हैं। अब कभी भी रेलवे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अगर आपकी एज 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, जबकि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप 30 साल तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपको पूरी जानकारी कि इस भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ऑल ओवर इंडिया आपका एग्जाम सेंटर और जॉब लोकेशन रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उन सभी को पीटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों रेलवे आरपीएफ का जो फिजिकल होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, बात करें तो इंडियन आर्मी के बराबर का जो फिजिकल होता है। उसके बाद में दोस्तों जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई होते हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद में उनका फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर
फाइनली मेरिट लिस्ट के आधार पर करवाया जाता है। अगर बात करें हाइट की, तो हाइट में आप यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी छूट दी जाती है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके साथ ही आपका चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपका चेस्ट है वो 76.2 सेंटीमीटर से लेकर 81.2 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर दोस्तों आप गढ़वाल, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं और अदर कैटेगरी जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है, उन सभी से बिलोंग करते हैं, आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर है और अगर आप मेल कैंडिडेट है आप अप्लाई कर पाएंगे। आपका चेस्ट 80 से 85 तक होना चाहिए। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल और ओबीसी वाले जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनकी मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं और आप फीमेल कैंडिडेट है, आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप गढ़वाल, गोरखा उसके साथ ही मराठा, डोगरा या कुमायूं फीमेल कैंडिडेट है और अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, फेज सेकंड में आपका फिजिकल होता है और रेलवे का जो फिजिकल होता है, आरपीएफ का जो फिजिकल होता है, वो काफी अच्छा लेवल का होता है। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग होती है जिसमें मात्र समय दिया जाता है 5 मिनट और 45 सेकंड का। उसके साथ ही लॉन्ग जंप आपका 14 फीट का होता है, हाई जंप आपका 4 फीट का होता है। जो लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको तीन चांस दिए जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है जिसमें उनको समय दिया जाता है 3 मिनट और 40 सेकंड। जबकि लॉन्ग जंप होता है फीमेल कैंडिडेट का वो 9 फीट का होता है और 3 चांस दिए जाते हैं। जबकि हाई जंप की बात करें तो 3 फीट का आपका हाई जंप होगा जिसमें फीमेल कैंडिडेट को 3 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर हम आपको बता देता हूँ, ऑफिशियली अपडेट है वो जल्द ही यहाँ पर जारी होगी। यहाँ पर आप जो न्यूज़ की कटिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में रेलवे की तरफ से कॉन्स्टेबल आरपीएफ में आने वाली भर्ती जो है वो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है और 18,000 वैकेंसी को भी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन लगातार कोविड के चलते भर्ती प्रक्रिया को आगे सरकाया जा रहा है। अगर बात करें कांस्टेबल रैंक का, तो एसएससीजीडी भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज को सिलेक्शन कर लेने वाला सबसे बड़ा जो रिक्रूटमेंट है, जो कि दोस्तों एसएससी की तरफ से लिया जा रहा है, और लगभग 80,000 सिपाही भर्ती होंगे और ये सभी भी 7 जून के बाद में शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों जून में आपके लगभग रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएंगे। फिर से यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा साइड का, जहां जाके आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। क्योंकि टेलीग्राम पर आपको आगे आने वाले छोटे से बड़े सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी भी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आगे आने वाली रेलवे, आरपीएफ और आरपीएसएफ भर्ती से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी अपने साथ वाले दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें जरूर बता दें कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन से राज्य के अभ्यर्थी है जो ज्यादा रेलवे में भर्ती होने के इच्छुक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।